राजस्थान जो कि राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कई उपचुनाव का गवाह रहा है, इन उपचुनावों ने राज्य की राजनीति का दिशा को प्रभावित किया। इन उपचुनावों ने केवल पार्टी की स्थिति को ही नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति की दिशा को भी प्रभावित किया है। हर उपचुनाव के परिणामों में मुख्य दलों के बीच समीकरणों में बदलाव किया, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए वर्षवार नजर डालते हैं कि किस वर्ष में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा। स्वतंत्रता के बाद 1952 में राजस्थान में पहली विधानसभा का गठन हुआ। इस अवधि में उपचुनाव कम हुए थे क्योंकि राजनीतिक स्थिरता पर जोर दिया गया था। 1952 में राजस्थान की पहली विधानसभा चुनाव के बाद कुछ उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस का वर्चस्व था। राजस्थान विधानसभा के 1970 से 1980 तक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला। 1972 में कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत हासिल की, जबकि कुछ सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी सफलता फैलाई। वहीं 1977 में जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी ने कुछ सीटें जीती थी। वहीं 1980 से 1990 तक की बात की जाए तो उपचुनाव में सत्तारूढ़ दलों की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। 1981 में कांग्रेस ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 1984 में कांग्रेस ने फिर से बहुमत प्राप्त किया। वहीं 1989 में बीजेपी ने भी प्रदेश में अपने पांव जमाना शुरू किया। साल 1990 से लेकर 2000 की बात करें तो इस दौरान बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाया और कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी ने महत्वपूर्ण सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत की। वहीं साल 2000 से लेकर साल 2010 की बात करें तो साल 2002 विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए जहां कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। साल 2009 में कई सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने भी वैसे अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं साल 2020 से 2024 तक उपचुनाव की बात करें तो साल 2021 में राजसमंद और बूंदी की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी ने राजसमंद में जीत हासिल की, जबकि बूंदी में कांग्रेस ने बढ़त बनाई। वहीं साल 2023 में कुछ अन्य सीटों पर उपचुनाव हुए जिनका परिणाम राज्य के राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हुए नजर आया। 2023 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। अब वर्तमान में 2024 में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरणों को फिर से प्रभावित कर सकते हैं। 2024 तक राजस्थान में हुए विधानसभा उपचुनाव का विस्तृत विश्लेषण किया है। हर उपचुनाव राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दिया है और हमें उम्मीद है कि आगामी उपचुनाव में भी हमें नई दिशा देखने को मिलेगी। आगामी उपचुनाव को और विधानसभा चुनाव का सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि ये चुनावी नतीजे राज्य की भविष्य की राजनीति को निर्धारित करेंगे। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजस्थान की राजनीति पर लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।